अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी सेकेंड ईयर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 19 के। जैसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, तो आपने उन वीडियो लेक्चर्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अगर आपने उन शॉर्ट क्वेश्चन की प्रिपरेशन ना की तो इसका मतलब आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है। सो एक मैंने प्लेलिस्ट रेडी कर दी है इन मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की सेकंड ईयर फिजिक्स के। ओके, सो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दी है। आपने जरूर पेपर से पहले जो है इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ओके, फिर आपकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी पेपर्स की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इंशाल्लाह इसकी होगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। ओके, सो इंशाल्लाह मैं एमसीक्यूज की भी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दूंगी। ओके, सो आपने उनकी भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। उन वीडियोज को अवेल करने के लिए आप अंडरस्टैंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 19। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम, एक्सप्लेन। क्या पेयर प्रोडक्शन का जो वर्किंग होती है, क्या पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम के अंदर टेक प्लेस किया जा सकता है? क्या पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम के अंदर टेक प्लेस हो सकता है? ओके, सो इसका प्रोसेस क्या अमल में लाया जा सकता है? सो आंसर है नो, पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। पेयर प्रोडक्शन कभी भी वैक्यूम में नहीं होता। ओके, इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम एंड एनर्जी द प्रेजेंस ऑफ हैवी न्यूक्लियस इज एसेंशियल। अगर तो हमने एनर्जी और मोमेंटम जो होता है उसको कंजर्व करना है तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास बहुत ज्यादा हैवी न्यूक्लियस हो। एसेंशियल का मतलब होता है स्टूडेंट जरूरी। ओके, सो प्रेजेंस का मतलब होता है मौजूदगी, क्योंकि जब हमने पेयर प्रोडक्शन करनी होती है उसके लिए जरूरी होता है कि हमारे पास एनर्जी और मोमेंटम को हमने कंजर्व करना होता है, तो जरूरी ये होता है कि हैवी न्यूक्लियस हो। लेकिन वैक्यूम में तो कुछ भी नहीं होता, वैक्यूम में हैवी न्यूक्लियस नहीं होगा। सो इस वजह से द वैक्यूम हैज नो पार्टिकल एंड हैवी न्यूक्लियस। वैक्यूम जो होता है उसमें कोई पार्टिकल नहीं होता, कोई हैवी न्यूक्लियस नहीं होता। देयरफॉर पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। इस वजह से पेयर प्रोडक्शन कभी भी वैक्यूम में नहीं हो सकती। ओके, सो यही क्वेश्चन था कि क्या पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में हो सकती है, एक्सप्लेन करना था। सो हमने पहले आंसर, पहली लाइन में आंसर दिया नो, पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। पेयर प्रोडक्शन का अमल कभी भी वैक्यूम में नहीं होता। ओके, ये इस वजह से आगे रीजन है कि इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम एंड एनर्जी द प्रेजेंस ऑफ हैवी न्यूक्लियस इज एसेंशियल। कि अगर हमने पेयर प्रोडक्शन की वर्किंग करनी है, पेयर प्रोडक्शन का अमल कैसे होगा, जरूरी क्या होता है, एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए एक हैवी न्यूक्लियस की जरूरत होती है। द वैक्यूम हैज नो पार्टिकल एंड हैवी न्यूक्लियस। जैसे कि हम जानते हैं कि वैक्यूम के अंदर कोई पार्टिकल और हैवी न्यूक्लियस नहीं होता, देयरफॉर इस वजह से पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। इस वजह से जो है पेयर प्रोडक्शन का अमल वैक्यूम में नहीं हो सकता, पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन डज लाइट बिहेव एज अ वेव, व्हेन डज लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल। कि लाइट जो है वो वेव के तौर पर कब बिहेव करती है और लाइट जो है वो पार्टिकल के तौर पर कब बिहेव करती है। ओके, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लाइट जो है वो बिहेव करती है एज अ वेव दो कंडीशंस में। कैसे? लाइट बिहेव एज अ वेव व्हेन इट प्रोपेगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। लाइट जो होती है वो बिहेव करती है वेव के तौर पर जब ये प्रोपेगेट का मतलब होता है जाती है एक प्लेस से दूसरी जगह पर। ठीक है, लाइट बिहेव एज अ वेव इन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन। इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन के अमल के दौरान लाइट जो है वो वेव के तौर पर बिहेव करती है। सो ये दो कंडीशंस है कि कब लाइट बिहेव करती है एज अ वेव। वेव का मतलब होता है लहर। ओके, सो लाइट जो है, रोशनी जो है, लाइट बिहेव एज अ वेव व्हेन इट प्रोपेगेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। लाइट जो है वो वेव के तौर पर तब एक्ट करती है जब ये प्रोपेगेट मीन्स के मुंतकिल होती है एक जगह से दूसरी जगह पर। ओके, और नेक्स्ट है लाइट बिहेव एज अ वेव इन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन। लाइट जो है इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन में वेव के तौर पर एक्ट करती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि व्हेन डज लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल। के लाइट पार्टिकल के तौर पर कब एक्ट करती है? नाउ स्टूडेंट्स, इसका आंसर है लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद मैटर। लाइट जो है जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तब ये पार्टिकल के तौर पर बिहेव करती है। और नेक्स्ट कंडीशन इसकी ये है कि लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटेंस इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, लाइट जो है पार्टिकल के तौर पर बिहेव करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और कॉम्पटेंस इफेक्ट में। तो स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन से बहुत ज्यादा एमसीक्यू भी बन सकते हैं। मीन्स के कैसे, अगर गौर करें, इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन के केस के अंदर जो है लाइट जो है बिहेव करती है एज अ वेव। सो ये आ सकता है कि इन इंटरफेरेंस लाइट बिहेव, तो आंसर आएगा एज अ वेव। ओके, इसी तरीके से कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये एज अ पार्टिकल जो है बिहेव करती है। तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि कौन से
इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कॉम्पटेंस इफेक्ट में, इंटरफेरेंस में, डायफ्रेक्शन है, किसमें जो है इनमें से किसी कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा और आपने आंसर देना होगा कि लाइट कब जो है एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। तो चाहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑप्शन में दिया गया हो या फिर कॉम्पटेंस इफेक्ट, आप दोनों में से किसी एक को टिक कर सकते हैं, एक ही दिया होगा वैसे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट एडवांटेजेस एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज ओवर एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। हमने एडवांटेजेस बताने हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हैज ओवर एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों बेहतर है, इसके क्या फायदे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। ओके, सो आंसर है रिजल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 1000 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। जो रिजल्विंग पावर होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो 1000 टाइम्स ग्रेटर होती है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की रिजल्विंग पावर से। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट पॉइंट है मैग्निफिकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज आल्सो अबाउट 1000 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इसी तरीके से जो मैग्निफिकेशन होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो भी 1000 टाइम्स ग्रेटर होती है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से। ओके, इसी तरीके से 3D इमेज ऑफ रिमार्केबल क्वालिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो 3D इमेज अगर हम किसी चीज की देखना चाहते हैं तो वो भी उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और वो भी हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ओके SEM। तो स्टूडेंट्स ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसके एडवांटेजेस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, कि वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से क्यों बेहतर है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी बहुत सारे एमसीक्यू आ सकते हैं कि जो रिजर्विंग पावर है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजर्विंग पावर है वो कितने टाइम्स ग्रेटर है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की, तो आपने आंसर देना है 1000 टाइम्स। इसी तरीके से जो मैग्निफिकेशन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो भी 1000 टाइम्स ग्रेटर है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से। इसी तरीके से एक और एमसीक्यू आ सकता है 3D इमेज किससे देखा जा सकता है, तो आंसर आपने देना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। 3D इमेज ऑफ रिमार्केबल क्वालिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड हाउ कैन यू गेट अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती हैं और आप ब्लैक बॉडी को कैसे हासिल कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर है एन ऑब्जेक्ट दैट अब्सॉर्ब्स ऑल रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट एट ऑल वेवलेंथ इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये डेफिनेशन है ब्लैक बॉडी की, ब्लैक बॉडी क्या है। ओके, सो ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि अब्सॉर्ब कर लेता है तमाम रेडिएशन को जो फॉल करती है चाहे वो किसी भी वेवलेंथ की हो, तो उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी। व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट इमिट्स रेडिएशन। जब भी एक बॉडी को गर्म किया जाता है तो जाहिर बात है वो जो है इमिट करती है, इमिट का मतलब होता है खारिज करना, वो इमिट करती है रेडिएशन को, रेडिएशन मतलब शुआएं। इट्स इमिशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इस बॉडी से जो रेडिएशन इमिट हो रही होती हैं उसको, इट्स इमिशन को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट है कि आप जो है एंड हाउ कैन यू गेट अ ब्लैक बॉडी, आप एक ब्लैक बॉडी को कैसे हासिल कर सकते हैं। ओके, सो ये इसका रिमेनिंग आंसर है। ब्लैक बॉडी इज अ सॉलिड that has a hollow cavity within it and a small hole through which radiations can enter or escape. तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर है कि ब्लैक बॉडी जो होता है ये एक सॉलिड है जिसके अंदर होलो कैविटी है विदिन विच जिसके अंदर एक स्मॉल होल होता है जिसके जरिए जो है रेडिएशन जो होती हैं वो एंटर हो सकती हैं और जा सकती हैं। द इनसाइड इज ब्लैकेंड विद सॉलिड, जो इसका अंदर वाला हिस्सा है वो उसको बिल्कुल ब्लैक कर दिया गया। ब्लैकेंड का मतलब होता है बिल्कुल ब्लैक कर देना, सॉलिड के जरिए ब्लैक किया जाता है टू मेक इट एज गुड अब्सॉर्बर एंड एज बैड अ रिफ्लेक्टर एज पॉसिबल। इसीलिए इसको ब्लैकेंड किया जाता है ताकि ये बहुत अच्छा अब्सॉर्बर बन जाए और ये बहुत बुरा रिफ्लेक्टर बन जाए। तो स्टूडेंट्स अब्सॉर्बर इस वजह से क्योंकि जो है कि तमाम रेडिएशन हमने पहली लाइन में देखा कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अब्सॉर्ब कर ले तमाम रेडिएशन जो कि इस पर फॉल कर रही है ऑन इट एंड ऑल वेवलेंथ इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी किसी भी वेवलेंथ की रेडिएशन हो जो इस ऑब्जेक्ट पे फॉल कर रही हो और वो उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर ले तो इसको कहते हैं ब्लैक बॉडी। वही हमने लास्ट लाइन में देखा कि इसको कैसे बनाया जाता है कि जो है इसको ब्लैकेंड कर दिया जाता है बिल्कुल स्विच से ताकि ये बहुत अच्छा अब्सॉर्बर बन जाए और रिफ्लेक्टर बहुत बुरा बने। तो स्टूडेंट रिफ्लेक्टर ये होता है कि अगर एक हमारे पास थिंग है और उसके ऊपर अगर एक रेडिएशन उसके ऊपर फॉल करती है साथ में वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, मीन्स के जैसे वही उसी एंगल पे या उससे डिफरेंट एंगल पे वो बैक चले जाती है तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्टर। तो इस वजह से ये जो ब्लैक बॉडी है इसको रिफ्लेक्टर नहीं होना चाहिए, इसको ऑब्जर्वर होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डोंट वी ऑब्जर्व अ कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट। हम कॉम्पटन इफेक्ट को विजिबल लाइट से क्यों ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ओके, सो ये क्वेश्चन है। नाउ आंसर ये है द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट इज लेस देन द एक्सरेज। तो
तो स्टूडेंट, जो विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी से लेस होती है। विजिबल लाइट का मतलब ये होता है कि आम आंख से ना हम जो रोशनी देख सकते हैं उसको कहते हैं विजिबल लाइट। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्सरेज से बहुत ज्यादा कम होती है। एंड द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज मच ग्रेटर देन कॉम्पटेंस वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो विजिबल लाइट जो होती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की कॉम्पटेंस वेवलेंथ से। ओके, सो कॉम्पटन इफेक्ट कैन नॉट ऑब्जर्व विद विजिबल लाइट। इस वजह से कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो विजिबल लाइट से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन दोबारा रीड कर लेते हैं। व्हाई डोंट वी ऑब्जर्व अ कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट। हम कॉम्पटन इफेक्ट को विजिबल लाइट से क्यों ऑब्जर्व नहीं कर सकते? सो आंसर ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है विजिबल लाइट की वो एक्सरे से बहुत ज्यादा कम है। एंड द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज मच ग्रेटर देन कॉम्पटेंट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की कॉम्पटेंट वेवलेंथ से। सो कॉम्पटेंट इफेक्ट कैन नॉट बी ऑब्जर्व विद विजिबल लाइट। इस वजह से जो कॉम्पटेंट इफेक्ट है वो विजिबल लाइट से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। ओके, सो नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है। विल हायर फ्रीक्वेंसी लाइट इजेक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन लो फ्रीक्वेंसी लाइट? तो स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है, इसको उर्दू में अगर सेंटेंस देखा जाए तो क्वेश्चन ये है कि जो हायर फ्रीक्वेंसी लाइट होती है वो लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, क्या वो बहुत ज्यादा तादाद में नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स को निकालती है उस लाइट से जिसकी लो फ्रीक्वेंसी होती है? ओके, सो आंसर है नो, इट विल नॉट। नहीं, ऐसा नहीं होगा। द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट, किसी भी लाइट से अगर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट मतलब कि निकल रहे होते हैं ना, वो उसकी लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं, लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते। ओके, सो ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि जो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं या फिर वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। तो आपने आंसर देना है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, ये जाहिर सी बात है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि लाइट की शिद्दत, लाइट कितनी ज्यादा तेजी से आ रही है। अगर तेजी से आएगी, जितनी ज्यादा लाइट की शिद्दत होगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो निकालेगी। अगर जितनी कम होगी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कम वो इजेक्ट करेगी। ठीक है, तो इस वजह से दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है उनकी जो इजेक्शन होती है लाइट से वो लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। ओके, नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है। डिफाइन आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। सो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एक्साइटेशन पोटेंशियल की आपने डेफिनेशन लिखनी है। सो सबसे पहले हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन देखी। द पोटेंशियल नेसेसरी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ऐसा पोटेंशियल जो कि इसीलिए जरूरी है कि हम एक एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, निकाल दें। एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस पोटेंशियल की जरूरत होती है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, इट इज एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट्स, इसको वोल्ट्स एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, सो अब एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है? द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू राइज ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को एटम में एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में मुंतकिल करने के लिए, पहुंचाने के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर होता है उसको कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। ओके, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हमने देखा कि वो पोटेंशियल जो कि हमें इसलिए जरूरी है कि हम एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, तो उसको कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है वोल्ट से। इसकी इंग्लिश ये है, द पोटेंशियल नेसेसरी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इट इज एक्सप्रेस इन वोल्ट्स। नाउ एक्साइटेशन पोटेंशियल ये है, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू राइज ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन एटम फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल, कि ऐसा पोटेंशियल जिसकी हमें इसीलिए जरूरत होती है कि हम एक एटम से ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर हम लेके जाएं, तो उसको कहा जाता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी? क्या ये पॉसिबल है कि हम एनर्जी से सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी क्रिएट कर लें? सो आंसर है नो, इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं, ये मुमकिन नहीं है कि हम क्रिएट करें सिंगल इलेक्ट्रॉन को एनर्जी से। नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज एंड फोटोन हैज नो चार्ज। जैसा कि हम जानते हैं ये इस वजह से है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं और फोटोन्स पर कोई चार्ज नहीं होता। सो द इमिटेंस ऑफ पॉजिट्रॉन इज नेसेसरी। पॉजिट्रॉन की इमिटेंस जो होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सो पॉजिट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल भी कहते हैं। ओके,
सो अदरवाइज इट विल बी द वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है किसकी खिलाफ वर्जी, वायोलेशन का मतलब होता है खिलाफ वर्जी, तो ये खिलाफ वर्जी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की. स्टूडेंट क्वेश्चन ये था कि क्या हम सिंगल इलेक्ट्रॉन को एनर्जी से क्रिएट कर सकते हैं, तो सिंपल आंसर है नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी. नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि हम एनर्जी से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी क्रिएट कर सकें, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैज नेगेटिव चार्ज एंड फोटोन हैज नो चार्ज. जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, फोटोन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, सो द इमिटेंस ऑफ पॉजिट्रॉन इज नेसेसरी, क्योंकि जो इमिटेंस होती है पॉजिट्रॉन्स की वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है. एंटी पार्ट पॉजिट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल. अदरवाइज अगर ऐसा नहीं तो इट विल बी द वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. अदरवाइज ये जो होगा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वायोलेशन होगी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, विल द ब्राइट लाइट इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सर्फेस देन डिमर लाइट ऑफ द सेम कलर. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है कि जो ब्राइट लाइट है, ब्राइट लाइट का मतलब होता है बहुत तेज लाइट, ये जो ब्राइट लाइट है वो इजेक्ट करती है ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सर्फेस से, बजाय के वो लाइट जो कि डिम है, मतलब हल्की है, जिसका कलर हल्का है. ओके, सिंस जैसा कि हमें मालूम है इंटेंसिटी जो होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ओके, इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब ये है जितनी ज्यादा शिद्दत होगी, इंटेंसिटी होगी, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होंगे, मीन्स के निकलेंगे. अगर जो है इंटेंसिटी कम होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेंगे. ठीक है, सो ये हमने जैसा कि हमने इस रिलेशन से हमने आंसर दे दिया. सो आगे लिखते हैं, एंड ब्राइट लाइट इज मोर इंटेंस देन डिमर वन. जैसा कि हमें पता है कि जो ब्राइट लाइट होती है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होती है, मतलब शदीद होती है डिमर लाइट की निस्बत. ओके, सो ब्राइट लाइट विल इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन देन डिमर लाइट. तो जैसा कि जो ब्राइट लाइट होती है, जो तेज लाइट होती है जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो इजेक्ट करेगा, निकालेगा मोर इलेक्ट्रॉन देन डिमर लाइट. डिमर लाइट से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट करेगी ब्राइट लाइट. ओके, तो यही क्वेश्चन था कि क्या जो ब्राइट लाइट होती है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करती है, बजाय के जो डिमर लाइट होती है सेम कलर होगा. स्टूडेंट्स इधर केस ये है कि सेम कलर होगा, लेकिन एक एक कलर जो होगा वो बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट की सूरत में होगा, वही कलर जो है डिमर लाइट की सूरत में होगा. ठीक है, तो इनमें से कौन सी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगी, वो करेगी जो ब्राइट लाइट होगी, क्योंकि जो ब्राइट लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, तो इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा इजेक्ट होंगे. सो इस वजह से जो ब्राइट लाइट है इज मोर इंटेंस देन डिमर वन. जैसा कि हमें मालूम है कि ब्राइट लाइट जो होती है वो डिमर, डिमर का मतलब होता है हल्की, मध्यम, मध्यम लाइट से बहुत ज्यादा इंटेंस होती है, शदीद होती है. सो ब्राइट लाइट विल इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन देन डिमर लाइट. इस वजह से जो ब्राइट लाइट होती है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करती है डिमर लाइट की निस्बत. ओके, सो नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट के दरमियान हमने जो है फर्क बताना है. डिस्टिंग्विश का लफ्ज आए स्टूडेंट्स, या फिर डिफ्रेंशिएट का लफ्ज आए, या डिफरेंस बिटवीन का लफ्ज है, इसका मतलब सेम है कि आपने इनमें फर्क बताना है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आंसर ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, तो स्टूडेंट्स आपने ऊपर हेडिंग देनी है और फिर आपने नीचे उसका आंसर देना है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सर्फेस व्हेन एक्सपोज टू अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो स्टूडेंट्स ये इसकी डेफिनेशन है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है एक मेटल सर्फेस से निकलते हैं, जब उन पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी, एक लाइट जिसकी सुटेबल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, सो उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट है व्हेन एक्स रेज आर स्कैटर्ड बाय लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ ग्राफिक टारगेट, द फिनोमेना ऑफ चेंज इन वेवलेंथ इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन ऑफ मैटर. पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन ऑफ मैटर की तारीफ करें. सो स्टूडेंट सबसे पहले पेयर प्रोडक्शन है, द चेंज ऑफ वेरी हाई एनर्जी फोटोन इंटू एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन. तो स्टूडेंट्स ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो हाई एनर्जी फोटोन होता है, जब वो चेंज होता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में, तो इसको कहा जाता है पेयर प्रोडक्शन. ओके, तो इसी तरीके से एनिहिलेशन ऑफ मैटर है, एनिहिलेशन ऑफ मैटर. सो नेक्स्ट है, व्हेन अ पॉजिट्रॉन कम्स क्लोज टू एन इलेक्ट्रॉन दे एनिहिलेट एंड प्रोड्यूस टू फोटोन इन द गामा रेज रेंज, इट इज कॉल्ड एनिहिलेशन ऑफ मैटर. तो स्टूडेंट्स इन तीन लाइन्स का मतलब ये है कि जब जो पॉजिट्रॉन्स हैं वो इतने क्लोज आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन के, वो एनिहिलेट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं टू फोटोन्स को गैमा रेज की रेंज में, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एनिहिलेशन ऑफ मैटर. ओके, सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कि आपने पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन ऑफ मैटर की डेफिनेशंस लिखनी है. ओके, सो
इस तरीके से नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ ब्लू लाइट हैविंग एग्जैक्टली द सेम एनर्जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि रेड लाइट बीम मतलब क्या, ठीक है, बीम, एक रेड लाइट की बीम है और एक ब्लू लाइट की बीम है और उनकी सेम एनर्जी है। विच बीम कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स, कौन सी ऐसी बीम होगी जिसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे। ओके, फोटॉन्स की बात है, एनर्जी, जैसा कि आंसर है एनर्जी ऑफ फोटॉन। सबसे पहले हमने एनर्जी ऑफ फोटोन का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, इज इक्वल टू एच एफ। ओके, एफ एच एफ जो होता है वो इक्वल होता है सी ओवर लेमडा के, सो हमने पुट कर दिया, सो ये बना एच सी ओवर लेमडा। ओके, सो स्टूडेंट्स हम नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात करें तो हमने ई एन अप्लाई कर दिया, ई एन, एन जो है नंबर को डिनोट करा है, ई एन इज इक्वल टू एन एच सी ओवर लेमडा। सो हमने फाइंड क्या करना है, नंबर है विच बीम कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ फोटोन, तो एन हमने साइड पे किया, एन जब हमने साइड पे किया तो लेमडा जो है वो ई के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, एन के साथ जो एच सी था वो नीचे जाके डिवाइड हो गया, तो एन इज इक्वल टू ई एन लेमडा ओवर एच सी। एस जैसा कि हमें मालूम है कि ई एन एच और सी जो है सेम होते हैं, जैसा कि एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेमडा के, एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेमडा के, मीन्स की जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव लेंथ के। ओके, सो जैसा कि हमें मालूम है, जैसा कि जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है, रेड बीम की वेवलेंथ होती है वो ब्लू बीम की वेवलेंथ से ज्यादा होती है, सो रेड बीम विल हैव ग्रेटर नंबर ऑफ फोटोन, तो जो रेड बीम होगी वो ग्रेटर नंबर ऑफ फोटोन है। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले से हम स्टार्ट हुए, यहाँ तक हम लेके आए इस वजह से क्योंकि हमें मालूम है कि जितने नंबर ऑफ फोटोन होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वेवलेंथ के, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी जाहिर बात है उसके अंदर जो है फोटोन ज्यादा होंगे, तो वेवलेंथ जो है हमें मालूम है पहले से ही कि रेड कलर की वेवलेंथ, रेड बीम की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है और ब्लू ब्लू बीम की वेवलेंथ कम होती है रेड बीम की वेवलेंथ से, तो इस वजह से जो रेड बीम है विल हैव ग्रेटर नंबर ऑफ फोटोन, रेड बीम में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन लाइट शाइन्स ऑन सरफेस इज मोमेंटम ट्रांसफर टू मेटल सरफेस। जब लाइट शाइन करती है एक सरफेस पर, क्या उसका मोमेंटम ट्रांसफर होता है मेटल सरफेस पर, तो ये हमने आंसर दिया यस, व्हेन लाइट शाइन्स ऑन सरफेस मोमेंटम इज ट्रांसफर टू मेटल सरफेस एंड आल्सो द एनर्जी। जब किसी भी सरफेस पर अगर लाइट आएगी और वो शाइन करेगी तो अपना मोमेंटम भी ट्रांसफर करेगी मेटल सर्फेस में और एनर्जी भी। ओके, सो मेटल इज हीटेड, मेटल जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो एनर्जी का फॉर्मूला ई इज इक्वल टू एच एफ और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा। ओके, इस केस में तो इस तरीके से हमने देखा कि जब लाइट शाइन करती है सरफेस पर तो मोमेंटम भी ट्रांसफर करती है मेटल सरफेस पे, साथ में एनर्जी भी, सो मेटल इज हीटेड अप, इज इक्वल टू एच एफ एंड पी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 है, तो स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर के अपडेट आप तक पहुंच सके और वीडियो लेक्चर को भी लाइक करें। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 ये है, वी डू नॉट नोटिस द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अ पिच्ड क्रिकेट बॉल, एक्सप्लेन व्हाई। कि हम जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ को पिच्ड क्रिकेट बॉल के लिए नोटिस नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है, एक्सप्लेन व्हाई। सो आंसर है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के मुताबिक लैम्डा जो वेवलेंथ है वो इक्वल होती है एच ओवर एम बी। ओके, सो इस तरीके से जो क्रिकेट बॉल है, एज क्रिकेट बॉल हैज लार्ज मैस, जैसे कि क्रिकेट बॉल का जो मैस है वो बहुत ज्यादा होता है, देयरफॉर वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद इट इज सो स्मॉल दैट इज नॉट डिटेक्टेबल। जैसे कि स्टूडेंट जो वेवलेंथ जो क्रिकेट बॉल होती है उसका लार्ज मैस होता है, उसका मैस बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से उसकी जो वेवलेंथ बहुत कम होती है कि इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। इस फॉर्मूले को हमने यूज ही इसीलिए किया है क्योंकि एम जो है मैस को डिनोट कर रहा है, जब मैस बहुत ज्यादा होगा इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स ये लैम्डा जो है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है एम के साथ, मैस के साथ, तो इसका मतलब ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये होता है कि अगर अगर हम इसको इंक्रीज करें तो ये कम हो जाती है, अगर इसको डिक्रीज करें तो ये बढ़ जाती है। ओके, सो इस तरीके से अगर मैस बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगी, अगर मैस कम होगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी। तो स्टूडेंट जैसा कि हमें मालूम है क्रिकेट बॉल की बात हो रही है, तो क्रिकेट बॉल का मैस बहुत ज्यादा, जब मैस बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब वेवलेंथ बहुत कम है कि हम उसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 15, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ विच पार्टिकल हैज ग्रेटर स्पीड, एक्सप्लेन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन की सेम बिल्कुल एक जैसी डी ब्रोगली वेवलेंथ है तो क्या इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होगी या प्रोटोन की स्पीड ज्यादा होगी, कौन से पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी, तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, सो आंसर है फ्रॉम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के मुताबिक ये है
कि जो वेवलेंथ है लेमडा इक्वल है वो एच ओवर एम वी है। सो वी जो है ये वेलोसिटी मींस कि स्पीड को जाहिर करिए इज इक्वल टू एच ओवर एम लेमडा। वी को हम इधर लाए, एच को नीचे ले आए। ओके, हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हम स्पीड की बात करना चाह रहे हैं ना, स्पीड को हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इस फॉर्मूला को हमने ऐसे लिख लिया कि वी इधर आ गया और लेमडा इसकी जगह पे चला गया। सिंस वेवलेंथ इज गिवन सेम एंड एच इज प्लैंक कॉन्स्टेंट, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, कि वेवलेंथ जो है वो तो सेम है, एच जो होता है प्लांक्स कॉन्स्टेंट है, तो एच भी चला गया, एच भी हमने खत्म कर दिया और लेमडा भी। इसका मतलब ये है कि एच तो वैसे ही प्लांक्स कॉन्स्टेंट है, लेमडा जो है ये दोनों की दोनों पार्टिकल्स की मीन्स के इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन दोनों की वेवलेंथ सेम है, तो हमने इसको नहीं देखना। अब हमने रिलेशन देखना है वेलोसिटी और मास का। ओके, तो हमने बतानी है कि कौन से पार्टिकल की स्पीड ज्यादा है। सो जैसा कि जिसका जिसका मास जो है कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसका मास कम ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी। सो जैसा कि हमें मालूम है हिंस एंड इलेक्ट्रॉन बीइंग अ लाइटर वन विल हैव ग्रेटर स्पीड, जैसा कि जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है प्रोटॉन की निस्बत, तो जब इलेक्ट्रॉन का मास कम है मास कम है तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था क्वेश्चन नंबर 15 कि हमने बताना था कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड तेज है या प्रोटॉन की, तो हमने डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस जो है, क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ था तो हमें मालूम हो गया कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सो लेमडा इक्वल है एच ओवर एम वी के, वी को हम इधर ले, लेमडा को नीचे ले गए, जैसा कि हमें मालूम है कि लेमडा जो है मीन्स के वेवलेंथ दोनों पार्टिकल्स की सेम है क्वेश्चन में और प्लैंक्स कॉन्स्टेंट होता है एच, तो हमने सिर्फ कंसिडर किया वी और मैस को, जिसका मैस कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। ओके, तो इस वजह से हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन का मास हमें पहले से ही पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लाइटर होता है, हल्का होता है प्रोटॉन की निस्बत। ओके, तो इस वजह से चूंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कम है, इस वजह से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो ये हमारा आंसर था। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि प्रोटोन ए हैज ट्वाइस द एनर्जी ऑफ प्रोटोन बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंटम, कि जो प्रोटोन ए है उसकी एनर्जी प्रोटोन बी से डबल है, तो क्या रेशियो मोमेंटम की क्या होगी। आंसर है एज द एनर्जी ऑफ फोटोन ए इज ट्वाइस द एनर्जी ऑफ फोटोन बी, जैसे कि हम जानते हैं कि जो ए की ए फोटोन की एनर्जी है वो डबल है फोटोन बी की एनर्जी से, सो ई ए इज इक्वल टू टू ई बी। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि ई ए जो डिनोट कर रहा है ये फोटोन ए की एनर्जी डिनोट कर रहा है, ई मतलब एनर्जी, तो ई ए इज इक्वल टू टू ई बी मीन्स कि जब ई बी दो जब ई बी को टू से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो इक्वल होगा ई ए के, इसका मतलब ये होता है कि ई ए जो है वो ट्वाइस है ई बी से, मतलब कि वो डबल है ई बी से, ठीक है। सो ई बी मतलब फोटोन बी की एनर्जी, सो पी ए सी इज इक्वल टू टू ई ए बी, तो पी जो है ये मोमेंटम को डिनोट कर रहा है, तो फोटोन ए का जो मोमेंटम है सी इज इक्वल टू टू ई बी के इक्वल है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम इसको सी को जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड कर दें, तो ई बी ओवर सी जो होता है ये फॉर्मूला होता है मोमेंटम का। ओके, सो ये पी बी, सो पी ए जो ई ए का मोमेंटम है वो इक्वल है फोटोन बी के मोमेंटम के डबल। ओके, सो ई ए का जो जो फोटोन ए है उसका जो मोमेंटम है वो भी फोटोन बी के मोमेंटम से डबल है, जैसा कि एनर्जी में वो डबल था तो मोमेंटम में भी डबल है। सो इस वजह से इट मीन्स डेट इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ट्वाइस द एनर्जी ऑफ फोटोन बी देन द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज ट्वाइस देन द मोमेंटम ऑफ फोटोन बी। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि जो फोटोन ए की एनर्जी है वो ट्वाइस है, वो डबल है फोटोन बी की एनर्जी से, इसी तरीके से जो मोमेंटम है फोटोन ए का वो भी फोटोन बी के मोमेंटम से डबल है। सो नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 है, द सॉलिड इज हीटेड एंड बिगिंस टू ग्लो, व्हाई डज इट फर्स्ट अपीयर रेड। तो स्टूडेंट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग है कि जब एक सॉलिड को आप हीट करते हैं तो सबसे पहले वो ग्लो करेगा, तो सबसे पहले रेड कलर ही अपेयर क्यों होगा। सो आंसर ये है, सिंस द रेड लाइट हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ सो इट विल बी इमिटेड फर्स्ट एंड सॉलिड अपेयर्स रेड फर्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट हैपन टू द टोटल रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इफ इट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल। ब्लैक बॉडी के साथ क्या होगा अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल कर दें, तो टोटल रेडिएशन ब्लैक बॉडी की टोटल रेडिएशन पर क्या इफेक्ट होगा। ओके, सो ये हमने देखना है कि हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल कर दिया। सो स्टूडेंट्स हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ यूज किया है जिसके मुताबिक ये है कि ई जो है वो इक्वल है सिग्मा टी का स्क्वायर के। सो हमने टेम्परेचर को डबल करना है, इसका मतलब ये है टेम्परेचर के साथ टी के साथ हम टू अप्लाई कर देंगे। ओके,
बाय डबलिंग द टेम्परेचर, जब हमने टी के साथ टू अप्लाई किया यहाँ पर, तो ये हो गया 2T। इसको सॉल्व किया तो 2 × 4 जो है, 2 की पावर 4 इक्वल होता है 16 के, 16 सिग्मा T की पावर 4। ओके, सो नाउ फ्रेंड, जैसा कि हमने देखा कि T सिग्मा T की पावर 4 इधर भी है और इधर भी सेम बन रहा है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर E बार यूज किया था, क्योंकि ये E हमने दोबारा यहाँ पर अप्लाई करना था इस वजह से, ताकि 2 E तो आ नहीं सकते एक साथ, इस वजह से जो है हमने E बार इसको सेपरेट करने के लिए, मीन्स के निशानदेही करने के लिए हमने बार अप्लाई किया। ओके, सो इस वजह से जो है E की पावर इज इक्वल टू 16 E। तब क्या होगा, टोटल रेडिएशन विल बिकम 16 टाइम्स, तब टोटल रेडिएशन 16 टाइम्स हो जाएंगी। कब स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को एक दफा जरूर देख लें कि जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की टोटल रेडिएशन पर क्या इफेक्ट आएगा, जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल करेंगे, तो जब हमने डबल किया तो जो रेडिएशन है वो 16 टाइम्स ग्रेटर हो गई। ओके, ब्लैक बॉडी की टोटल रेडिएशन 16 टाइम्स ग्रेटर हो गई, तो टोटल रेडिएशन एनर्जी विल बिकम 16 टाइम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच फोटोन रेड ग्रीन और ब्लू कैरीज द मोस्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। कौन सा ऐसा फोटोन है, रेड कलर का, ग्रीन कलर का या फिर ब्लू कलर का, कि जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी है, सबसे ज्यादा मोमेंटम है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सो सिंस, जैसा कि हमें मालूम है कि जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है HF/hc/λ, एफ को c/λ कहते हैं, ठीक है। सो एनर्जी जो है हम देख रहे हैं 1/λ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, ई, अब ई का इस इक्वेशन से हम देख रहे हैं, ई इज इक्वल टू एच एफ तो है, एफ को जब हमने c/λ से हमने रिप्लेस कर दिया, सो ई इज इक्वल टू hc/λ, सो ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/λ के। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमें मालूम है कि जो वेवलेंथ है, तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की, फिर उससे कम होती है ग्रीन की, और सबसे कम होती है ब्लू की, मीन्स के रेड की ब्लू ग्रीन से ज्यादा वेवलेंथ होती है, और ग्रीन की ब्लू से ज्यादा वेवलेंथ होती है। ओके, हिंस ब्लू लाइट हैज मोस्ट एनर्जी, जैसा कि जो ब्लू लाइट होती है इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, जैसा कि पी इज इक्वल टू H/λ, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है, सो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। इसी तरीके से जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है रेड कलर की, फिर ग्रीन कलर की, और फिर ब्लू कलर की, हिंस ब्लू लाइट हैज मोस्ट मोमेंटम, तब जो है ब्लू लाइट की सबसे ज्यादा मोमेंटम होगा। सो स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच हैज लोअर एनर्जी क्वांटा, रेडियो वेव्स और एक्सरेज। रेडियो वेव्स का सबसे एनर्जी क्वांटा कम होता है या एक्सरेज का, इन दोनों में से किसका एनर्जी क्वांटा कम होता है। ओके, सो एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई किया, इज इक्वल टू HF, बराबर होता है c/λ के, तो E इक्वल हुआ hc/λ। तो हमने वेवलेंथ को देखा, एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/λ के, ठीक है। सो रेडियो वेव्स की स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा, तो स्टूडेंट एक्सरेज की निस्बत रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है, लेमडा जो होता है वो वेवलेंथ को जाहिर करता है, तो रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो एक्सरेज की वेवलेंथ से ज्यादा होती है। सो स्टूडेंट, जब वेवलेंथ ज्यादा होगी रेडियो वेव्स की, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कम होगी। सो रेडियो वेव्स हैज लोअर एनर्जी क्वांटा, इस वजह से जो रेडियो वेव्स होती हैं उनका एनर्जी क्वांटा लोअर होता है। सो रेडियो वेव्स हैव लोअर एनर्जी क्वांटा। सो स्टूडेंट्स, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 19 के। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स को वेल करने के लिए आप अंडरस्टैंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ओके, और वीडियो लेक्चर को लाइक करें और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।